नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है हेल्थ अवेयरनेस। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि कैसे जो है आप अपने घर पे एक 100% नेचुरल शैम्पू बना सकते हैं बिना किसी केमिकल के और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, और प्लीज़ दोस्तों ये जो वीडियो है आप कम्प्लीट देखिएगा। इसमें आपको बताऊँगा कि कैसे जो है आप एक नेचुरल 100% नेचुरल शैम्पू बना सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन चारों वंडर इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, ये है रीठा। दोस्तों, रीठा हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एक रीठा से कह सकते हैं कि एक नेचुरल शैम्पू है, क्योंकि रीठे से जो है दोस्तों एक फोम जनरेट होता है, एक लेदर जनरेट होता है, जिससे जो है दोस्तों अगर हमारे बालों में डर्ट और ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ही जो है रिमूव कर देता है। तो ये एक हमारे बालों को जो है और हमारे स्कैल्प को जो है बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो इसलिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये हो गया रीठा। दूसरा है दोस्तों शिकाकाई। दोस्तों शिकाकाई भी एक बहुत अच्छी हर्बल रेमेडी मैं कहूँगा, जो प्रकृति ने हमें दी है। शिकाकाई दोस्तों बालों के लिए, जैसे अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, एकदम रुखे बेजान से अगर आपके बाल हैं, तो शिकाकाई उसके लिए बहुत अच्छी है। ये दोस्तों जो है बालों में शाइन लाता है और दोस्तों बालों को एक बहुत अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करता है। इसलिए दोस्तों हम अपने शैम्पू में जो है शिकाकाई भी डालेंगे, और इससे दोस्तों जो है बाल भी हमारे घने होते हैं, इसलिए भी हम इसे जो है यूज़ करेंगे। दोस्तों तीसरा है आंवला। दोस्तों आप सभी जानते हैं आंवला जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए। यह हमारे इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही करता है दोस्तों, साथ ही हमारे आँखों के लिए अच्छा है। इसमें विटामिन सी होता है, और साथ ही साथ दोस्तों जो है यह बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बालों के इसके यूजेस की बात करूँ तो दोस्तों ये करता ही है कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बालों को जो है एक मजबूती प्रदान करता है, और साथ ही साथ जो है हमारे बालों को ज़रूरी जो उसे न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है, वो है आंवला। तो एक ये तीसरा हो गया आंवला, और चौथा वंडर इंग्रेडिएंट से दोस्तों वो है, आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ये है हरड़। दोस्तों हरड़ क्या करता है, जैसे ये एक बहुत अच्छी वंडर इंग्रेडिएंट्स, अगर आपने त्रिफला देखा होगा तो त्रिफला में भी जो है हरड़ होता है। हरड़ दोस्तों हम अपने शैम्पू में इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये इसमें एक एंटीबैक्टीरियल गुण है, इन सभी में एक एंटीबैक्टीरियल गुण है, मगर इसमें जो है वो ज़्यादा है। ये जो है दोस्तों आपके बालों में जैसे डैंड्रफ है, आपके बालों में जुए हो जाते हैं, और हमारे स्कैल्प में जैसे डैंड्रफ हो जाता है, तो इन सब के लिए जो है दोस्तों हरड़ बहुत अच्छी वंडर रेमेडी है, एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। तो इसलिए हम ये चारों चीज़ें जो है यूज़ करेंगे। दोस्तों ये सभी जो है आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। आपके बाल जो है अगर ये शैम्पू आप यूज़ करते तो घने भी होंगे, रुके बेजान बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आपके बालों को जो है एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा, आपके बाल जो है अगर असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो वो सफ़ेद भी नहीं होंगे, क्योंकि अब उस शैम्पू में बहेड़ा है जो असमय बाल जो सफ़ेद होते हैं उससे रोकता है। इसमें शिकाकाई है जो आपके बालों का जो नेचुरल कलर है उसको प्रिवेंट करके रखता है, और उसको जो है शाइन प्रोवाइड करता है। ये रीठा फोम बनाता है, एक रिच लेदर देता है, जिससे हमारे स्कैल्प में जो हमारे ऑयल और डर्ट होते हैं वो रिमूव करता है। आंवला जो है हमारे बालों को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये चारों ही चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इन चारों को जो है इक्वल इक्वल क्वान्टिटी में लेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप हरड़ 50 ग्राम ले रहे हैं तो इन तीनों को भी 50 ग्राम में ही लेना है, कुछ सारी चीज़ें जो है इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। अगर कोई चीज़ आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसे सभी चीज़ों में भी 100 ग्राम की क्वांटिटी आपको रखनी होगी। दोस्तों अगर बात करें कि आप बोलेंगे कि अब हम एक काम करेंगे कि मार्केट में जाएंगे जाके पाउडर ले लेंगे, तो मैं बोलूँगा कि आप बेटर होगा कि आप मेरे जैसे ही आप ऐसे परचेस करके ला लीजिए सहगे, और घर में जो है दोस्तों आप इसे पीस लीजिए, एक बारीक जो है फाइन पाउडर बना लीजिए। और आपको इसे यूज़ कैसे करना है दोस्तों, जब भी अगर आपको शैम्पू करना हो तो शैम्पू करने से 10 मिनट पहले जो है जितनी क्वांटिटी आपको ऐसा लगती है कि इससे हमारा स्कैल्प जो है या फिर इससे हमारे बाल जो है अच्छे से धुल जाएंगे, उतने क्वांटिटी को एक बर्तन में ले लीजिएगा और उसमें पानी डाल के एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाइएगा,
और 10 मिनट बाद जो है दोस्तों फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बालों में बढ़िया 5-10 मिनट लगा के रख दीजिए, 5-10 मिनट, और उसके बाद जो है आप धो सकते हैं। दोस्तों मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगा कि जैसे मैंने ये इंग्रेडिएंट्स जो है ख़रीद के लाए हैं, वैसे ही आप 50 ग्राम 100 ग्राम सब इक्वल क्वांटिटी में ख़रीद के लाएँ और घर में फाइन पेस्ट बना। देखिए मैंने भी घर में फाइन पेस्ट बनाया है, कुछ पेस्ट ये ऐसा रहेगा, एक ऐसा पेस्ट बनेगा दोस्तों। इसमें जो है जब भी आपको शैम्पू करना रहेगा तो शैम्पू करने से 10 मिनट पहले इसे भिगो दीजिए के रख लीजिएगा पानी में, एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिएगा और इसे जो है अपने बालों में लगा के 5-10 मिनट रख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।